देवघर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर कांवरिया पथ पर भी अच्छी खासी भीड़ देखने को कांवरियाओं की मिल रही है। ऐसे में यहां कांवरिया लगातार चलते चलते आज बाबा धाम पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे, जहां रास्ते में भी काफी उत्साह के साथ कांवरिया बोलबम के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। किसी भी श्रद्धालु को कोई तकलीफ न हो, इसके लिए जिला प्रशासन अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। साथ ही यहां पर एनजीओ शिविर भी लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कांवरियों को परेशानी न हो। बाबा वैद्यनाथ धाम वेलफेयर सोसायटी के सचिव डायरेक्टर मनोज कौशिक ने यह कहा है कि 2011 से वो यहाँ पर शिविर लगाते आ रहे हैं। जी, मैं इस वक्त हूँ बाबा बैद्यनाथ मंदिर में, जहाँ की विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आज दूसरा, श्रावण मास का दूसरा सोमवारी है। आप देख सकते हैं कि दूसरे सोमवारी में जो है यहाँ जन सैलाब उतरा हुआ है। कांवरिया श्रद्धालु बम जो है यहाँ पर आस्था, विश्वास, भाव और भक्ति का ये संगम आपको जो है यहाँ देवघर में देखने को मिलेगा, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में देखने को मिलेगा, जहाँ लोग जो है आज दूसरी सोमवारी को 3.5 लाख, करीबन 3.5 लाख जो है श्रद्धालु बम आज बाबा बैद्यनाथ की जलार्पण करेंगे। इसके साथ में ये बताऊं कि ये जो देख रहे हैं, अपने ही देश नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं और बाबा बैद्यनाथ का जलार्पण करते हैं और अपने मनोकामना की मन्नत रखते हैं। ये देखा जा रहा है कि ये जो है कामना लिंग है, और कामना लिंग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो है कि हर लोग की मन्नतें पूरी होती है, हर भक्त की जो है वो अपनी मन्नतें जो है वो पूरी करते हैं बाबा बैद्यनाथ। इसको लेकर यहाँ के जो तीर्थ पोहित पंडा समाज है वो भी कड़ी मशक्कत कर रहे हैं श्रद्धालुओं को जलाभिषेक कराने के लिए। साथ ही अगर मैं बात करूँ जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन भी पूरी मेले पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। सभी जगह पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट जो है वो तैनात हैं, और यहाँ के जो एसपी साहब हैं वो इसी को लेकर कल जो है एक ब्रीफिंग किए हुए थे, और ब्रीफिंग में जो है वो हर पुलिस पदाधिकारी को हिदायत दी थी, निर्देश दी थी कि हर भी किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। इसको लेकर जिला प्रशासन जो है काफ़ी मशक्कत की हुई है, और आज देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के माध्यम से कि बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में जो है जो भीड़ है वो अप्रत्याशित भीड़ है। यहाँ जो है श्रद्धा भाव विश्वास के साथ जो है कांवरिया बम जो है 108 किलोमीटर पैदल उत्तर वाहिनी गंगा सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर आते हैं और यहाँ जलार्पण करते हैं। चाहे वो कड़ी धूप हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हो, बम को किसी भी तरह का, श्रद्धालुओं को किसी भी तरह का कोई तकलीफ महसूस नहीं होता है। और वो इसके साथ ही मैं बताऊं कि सिर्फ यहाँ जो महिलाएं पुरुष नहीं, इसके साथ ही मैं ये देखा बता रहा हूँ कि यहाँ जो है यहाँ बच्चे भी आते हैं और बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। तो देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से कि लोग जो है काफ़ी संख्या में जो है देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है ये भीड़, कितनी भीड़ है यहाँ देख सकते हैं कि आप जो है यहाँ श्रद्धा भाव विश्वास और भक्ति का वो नज़ारा सिर्फ देव। और लगातार आज सावन की दूसरी सोमवारी, ऐसे में कांवरियों की और भक्तों की जो भीड़ है वो साफ तौर पर बाबा नगरी देवघर में देखने को मिल रही है। बाबा नगरी में भक्तों की गजब की भीड़ यहां पर उत्साह के साथ देखने को मिली। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर आज दूसरी सोमवारी को यहां पर लाखों की संख्या में कांवरिया पहुंचे हुए हैं। कल रात से ही लंबी कतारें नंदन पहाड़ तक पहुंच चुकी थी, और अभी सोमवार को 11 बजे तक कतारें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। करीबन यहां आने जाने के दौरान 6 किलोमीटर लंबी यात्रा हो जाने से श्रद्धालुओं को थोड़ी तकलीफ का जरूर सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उत्साह में कहीं से भी कोई कमी इन कांवरियों में नजर नहीं आ रही है।